हेलो फ्रेंड्स, मैं बिट्टू परमार आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टू मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आप जानते हो कि इसके माध्यम से मैं आपको 10th NCERT मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा और बड़े ही सरल तरीके से करवाऊंगा। इससे पहले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट करवाया था और बड़े ही अच्छे तरीके से करवाया था, और आज हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं और इसको बड़े ही अच्छे तरीके से करेंगे। इसको हम शॉर्ट मेथड से भी करेंगे और लॉन्ग मेथड से भी करेंगे। यदि आपने इससे पहले हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लीजिए और इसके बाद ही इसे देखिए, ताकि पहले आप उसको देख लेगो तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और उसका फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें क्या दिया है? इसमें हमें, जानते हो आप, हमें शून्य अंकों का योगफल और शून्य अंकों का गुणनफल दिया है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो हमारा है 1/4 - 1, यानी कि 1/4 और -1। हमें ये क्या है, ऊपर जो अच्छी तरह से लाइन लिखी हुई है उसमें बता है कि हमारे शून्य अंकों का योगफल है या हमारे शून्य अंकों का गुणनफल है। लेकिन जो मैथ के जो फॉर्मूले हैं उनमें हमें क्या बताया है, उसमें हमें तो शून्य अंकों का योगफल -b/1 बताया है और शून्य अंकों का गुणनफल c/1 बताया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो शून्य अंकों का योगफल, इसने कितना बताया, 1/4, यानी कि मेरा कितना है, 1/4 है, और गुणनफल कितना बताया, -1, ये मेरा कितना है, -1 है। सो सिंपल। इसके बाद मुझे यह क्या होता है, हमें यहाँ पे प्लस लेना होता है। मैंने ये हमारा किसका है, माइनस का है। तो इसके लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, b/1 = -1/4। इसका माइनस यहाँ चला जाएगा कि मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूँगा जब, हो गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आइए, ये थी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है, शून्य अंकों का योगफल और शून्य अंकों का गुणनफल। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, शून्य अंकों का योगफल और शून्य अंकों का गुणनफल। इसको हम ऐड ऑफ जीरोज और इसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहते हैं। ये मार्क हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है b/1 माइनस का, ये हमारा होता है c/1 = b/1 कितना दिया है, 1/4 दिया है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, 1/4, और आप जानते हो कि हमें किसका लेना है, प्लस का लेना है। तो मेरा b/1 क्या होगा, मेरा b/1 हो जाएगा -1/4। और इसी तरह से c/1 शून्य अंकों का गुणनफल कितना दिया है, -1। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ -1। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक द्विघात समीकरण दिया होता है, ax² + bx + c = 0। इस द्विघात समीकरण से हमें इसके शून्यंक पता करने होते थे, शून्यंक इसके क्या होंगे। लेकिन अब हमें क्या दिया है, अब हमें ये जो शून्यंक हैं इनका हमें योगफल दिया है, यानी कि इनको एक बार जोड़ दिया गया है और इनका गुणनफल दिया है, एक बार इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ये हमारा योगफल कितना दिया है, 1/4 दिया है, और गुणनफल कितना दिया है, -1 दिया है। अब इनसे हमें क्या बनाना, इनसे हमें वापस से ये बनाना है। फर्स्ट पार्ट में तो हम ये बनाते थे, ये निकालते थे, और सेकंड पार्ट में इनका योगफल दिया है, इनका गुणनफल दिया है, और इसे क्या निकालना है, ये निकालना है। इसको हम बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। इसलिए हमें क्या निकालना, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है ax² + bx + c, यानी कि द्विघात समीकरण। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ ax² + bx + c = 0। मैं जानता हूँ मुझे कितना चाहिए, 1/b/1, और कितना चाहिए, c/1। लेकिन मेरा यहाँ पे a नहीं है, मेरा यहाँ पे भी a नहीं है, तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, a से डिवाइड कर दूँगा, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे a कैंसिल, और मेरे पास मिलेगा x² + b/1
ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको यहाँ पे पुट कर दूँगा, बिल्कुल सरल तरीका, एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई वन, बी बाई वन कितना है माइनस फोर, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा माइनस फोर, एक्स प्लस सी बाई वन कितना है मेरा माइनस वन, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस वन बाई फोर एक्स प्लस माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, हमारा ये आ गया। ये क्या है, ये जुड़ रहे हैं, इनके भाग में भी क्या है वन है और इसके भाग में भी क्या है वन है। आप जानते हो हम यहाँ से क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया फोर। एलसीएम कैसे लिखते हैं आपको रफली बता देता हूँ, वन फोर वन लिया, किस से जा रहा है फोर से जा रहा है, वन वन और वन, ऐसे हम एलसीएम लेते हैं। ये जो हमारा फोर आता है इसी को हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये बेसिक सी बातें हैं, फोर से वन से डिवाइड करते हैं और फिर जो आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड करेंगे, फोर को वन से डिवाइड किया फोर मिला, फोर को मैं यहाँ से यहाँ पर कितना है वन इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे फोर एक्स स्क्वेयर मिलेगा, माइनस साइन तो माइनस, फोर को फोर से डिवाइड किया वन, वन को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स माइनस माइनस, इसी तरह से मुझे क्या मिलेगा माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो हो गया। और अब आप जानते हो कि पूरे के डिवाइड में है, यदि मैं इसको मैं ऐसे हटा दूंगा तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, तो मैं लिख लेता हूं फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या है, ये हमारा द्विघात समीकरण है, ये क्या हमारा आंसर। यदि मैं इसके शून्यांक ज्ञात करूँगा तो मुझे जो एक्स की वैल्यू मिलेंगी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, यदि उनको मैं जोड़ दूंगा तो मुझे वन बाई फोर मिलेगा, यदि उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे माइनस वन मिलेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू का वन सेकंड पार्ट, ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया है रूट टू और वन बाई थ्री। जिस तरह से हमने इसको किया था उसी तरह से हम इसको करेंगे। इसमें हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था शून्यांक का योगफल हो गया, और फिर क्या लिखा था शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है हम जानते हैं, शून्यांकों का वो योगफल बी भाग वन होता है माइनस गुणनफल सी भाग वन होता है, लेकिन हमें कितना दिया है, हमें यहाँ पे दिया है रूट टू। हमने बताया था यहाँ से ये माइनस हट जाएगा, कहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे लग जाएगा, और इसी तरह से सी बाई वन कितना है वन बाई थ्री। इसके बाद क्या थी हमारी द्विघात समीकरण था, मैं डायरेक्ट इसको लिख लेता हूँ, तो मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद मैंने क्या किया था, ए से डिवाइड किया था, ए से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिला था, मुझे मिला था एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे क्या करनी, इनकी वैल्यू पुट करनी है, मैं वैल्यू पुट करूँगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई वन कितना है मेरा माइनस रूट टू, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा माइनस रूट टू। इसके बाद एक्स प्लस सी बाई वन कितना है मेरा वन बाई थ्री, तो मैं कितना लिख दूंगा वन बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद देखो एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस रूट टू एक्स प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद क्या होगा, ये थ्री है एलसीएम ले लिया जाएगा, यानी कि थ्री को क्या लेता हूँ मैं एलसीएम, जिस तरह से हमने इसमें किया था थ्री को एलसीएम ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में भी क्या है वन है, इसके डिवाइड में भी क्या है वन है, इसी के डिवाइड में कुछ नहीं होता, उसके डिवाइड में क्या होता है वन होता है, तो मैंने क्या लिख दिया
वन, थ्री को मैं वन से डिवाइड करूँगा थ्री, और थ्री को इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस साइन माइनस, इसी तरह से मुझे यहाँ पे मिलेगा थ्री रूट टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। मैंने आपको बताया था कि पूरे के भाग में ये हो तो हम इसको हटा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया, ये हमारा क्या है, आंसर है। हमने आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करवा दिया है, अब बारी है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट हम एक बार इसको ऐसे यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, लिख दिया। मैंने देखा शून्यांकों का थर्ड पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, ये हमारा है जीरो रूट फाइव, जीरो रूट फाइव। मैंने आपको बताया था क्या लिखते थे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, और क्या लिख दिया हमारा गुणनफल है, तो क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल इज इक्वल टू ये हमारा क्या आता था, माइनस बी बाई बी भाग वन, ये हमारा आता था सी भाग वन, लेकिन हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है जीरो, यानी कितना दिया हुआ है जीरो, ये हमें कितना दिया है रूट फाइव हो गया। इसके आगे से माइनस हटा के कहाँ लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ, यदि इसके आगे माइनस लगाऊंगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा भी सकता हूँ। उसके हम क्या हम जानते हैं, हमारा द्विघात समीकरण, हमारा द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद हमने क्या किया था, ए से डिवाइड कर दिया था, ए से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिला था, मुझे मिला था एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई वन एक्स प्लस सी बाई वन इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब हम इसकी वैल्यू पुट करनी थी, वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस प्लस बी बाई वन कितना है जीरो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जीरो एक्स एक्स प्लस प्लस सी बाई वन कितना है मेरा रूट फाइव, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँगा तो मुझे प्लस जीरो प्लस प्लस रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो। यदि मैं यहाँ से जीरो को हटा दूँगा तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। मैंने आपको बिल्कुल एक ही मेथड से तीनों के तीनों क्वेश्चन को समझा दिया है, अभी मैंने आपको शॉर्ट में नहीं बताया है, क्योंकि ये जो हमारे आते हैं दसवीं के मैथ में सिर्फ एक या दो नंबर में आते हैं, और इसके लिए इतना इनफ है लिखने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे टिक करने आ जाते हैं, टिक करो आपको तो इसको करने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे वहाँ पे, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ टिक करना है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट मेथड होना बहुत ज़रूरी है। और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करोगे तो वहाँ पर भी आपको ये नहीं करना, आपको शॉर्ट मेथड करना है। शॉर्ट मेथड में क्या होता है, हम इससे डायरेक्ट इसको बनाना सीखते हैं हो गया, और उसके जो इससे पहले वीडियो में मैंने भी आपको इस द्विघात समीकरण के जो शून्यांक थे वे भी शॉर्ट मेथड से निकालना बताए थे, और इसके भी हम इससे डायरेक्ट इसको निकालना बताएंगे, हम इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल ही सरल तरीका है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।